वेलकम फ्रेंड्स, ए वी सामान्य ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और कुछ इम्पॉर्टेंट ओल्ड क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर वन, छत्तीसगढ़ राज्य की कौन सी जनजाति सरहुल पर्व मनाती है? इसका आंसर होगा ए उराव जनजाति। छत्तीसगढ़ राज्य में उराव जनजाति सरहुल पर्व मनाती है। क्वेश्चन नंबर टू, छत्तीसगढ़ में औद्योगिक पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिया जाता है? इसका आंसर होगा बी चार श्रेणियों में। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक पुरस्कार चार श्रेणियों में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति का परंपरागत युवा गृह घाटुल कहलाता है? इसका आंसर होगा बी मारिया। छत्तीसगढ़ राज्य में मारिया जनजाति को हम युवा गृह घोटुल के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, छत्तीसगढ़ राज्य में ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट के रूप में कैप्टन एगन्यू का महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से क्या है? इसका आंसर होगा डी राजधानी परिवर्तन। छत्तीसगढ़ राज्य में ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट कैप्टन एगन्यू ने राजधानी परिवर्तन का विशेष महत्वपूर्ण कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित में से किस नाम पर छत्तीसगढ़ राज्य में बांगो के स्थान में हसदो नदी में बांगो बांध का नामकरण किया गया है? इसका आंसर होगा बी मिनी माता के नाम पर। छत्तीसगढ़ राज्य में मिनी माता के नाम पर बांगो के स्थान में हसदो नदी में बांगो बांध का नामकरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ राज्य में नल वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा ए वराहराज। वराहराज प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ राज्य में नल वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर सेवन, छत्तीसगढ़ में किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया? इसका आंसर होगा सी ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर एट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक भाग था? इसका आंसर होगा बी 1862 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक भाग था। क्वेश्चन नंबर नाइन, छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर विद्रोह हुए थे? इसका आंसर होगा इन सभी स्थानों पर, अर्थात छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में धमधा, बरगढ़, कवर्धा तथा तारापुर, इन सभी स्थानों पर विद्रोह हुए थे। क्वेश्चन नंबर टेन, वंदे भारत एक्सप्रेस की डिजाइन वाली मेमू ट्रेन छत्तीसगढ़ में किस मंडल में चलेगी? इसका आंसर होगा ए रायपुर मंडल में। वंदे भारत एक्सप्रेस की मेमू ट्रेन छत्तीसगढ़ में रायपुर मंडल में चलेगी। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में देश के राजदूत केनिथ आई जस्टर छत्तीसगढ़ प्रवास के तहत रायपुर पहुंचे। हाल ही में किस देश के राजदूत केनिथ आई जस्टर छत्तीसगढ़ प्रवास के तहत रायपुर पहुंचे? इसका नाम है
डी अमेरिका। अमेरिका के राजदूत केनिथ आई जस्टर छत्तीसगढ़ प्रवास के लिए रायपुर पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में मुंबई के कंपनी ने छत्तीसगढ़ सरकार को कहां से कहां तक लाइट रेल चलाने का प्रस्ताव दिया है? इसका आंसर होगा डी रायपुर से दुर्ग तक। मुंबई की एक कंपनी ने छत्तीसगढ़ सरकार को रायपुर से दुर्ग तक लाइट रेल चलाने का प्रस्ताव दिया है। क्वेश्चन नंबर 13। देश का अत्याधुनिक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की के विशेष राज्य के लिए किस शहर की पानी को जांच करेंगे? इसका आंसर होगा ए नवा रायपुर। नवा रायपुर शहर के पानी की जांच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की करेगी। क्वेश्चन नंबर 14। छत्तीसगढ़ राज्य की नई राज्यपाल अनुसुईया उइके अपना शपथ किस दिन ग्रहण किया है? इसका आंसर होगा ए 29 जुलाई को। छत्तीसगढ़ की नई राज्यपाल अनुसुईया उइके ने 29 जुलाई को अपना शपथ ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 15। छत्तीसगढ़ के किस शहर में देश का सबसे लंबा तिरंगा झंडा फहराया जाएगा? इसका आंसर होगा डी रायपुर में। रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में देश का सबसे लंबा तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शहरी भूमिहीन लोगों को पट्टा दिए जाने की घोषणा की है, इसके तहत लगभग कितने लोगों को इसका लाभ मिलेगा? इसका आंसर होगा ए बी 140,000। 140,000 घरों को, भूमिहीन घरों को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पट्टा देने की घोषणा की है।